काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, सीढ़ियां उड़ी सब टूटी पड़ी हैं। सबसे ऐसे ही है ये सावन से ऐसे ही है। आज तो कुत्ता भी बता रहे हैं, आज कुत्ता भी पड़ा था और वो गंगा जी में जल जा रहा होगा, वो लोग आचमन कर रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या काम होगा? सफाई होनी चाहिए जी। हम स्नान करने के लिए आए, पर क्या स्नान करें, हर की पुंडी पे आए, और ये तो पूरा देश का पवित्र स्थान है, जहाँ सारे देश से पवित्र पवित्र आदमी जो भी आदमी पूरे चार धाम की यात्रा भी यहाँ से शुरू होती है, और गंगा में पूरे हर की पुंडी गंगा घाट में ही गंदगी है। नेताओं और विभागों की उदासीनता कहीं ना कहीं हरिद्वार में अब यात्रा सीजन के दौरान दिखने लगी है। चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, और हरिद्वार में आज एक ऐसी खबर आई कि गंगा में जो है कुत्ता जो है मरा हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग उनसे भी बात करेंगे और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम पहुंचे तब तक जल जो है वो यहाँ पर गंगा का जल स्तर बढ़ा, और अब जो है वो कुत्ता जो था शायद यहाँ बह गया है। लेकिन तस्वीरें जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, कैमरामैन को थोड़ा दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर गंगा के किनारे गंदगी पड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं ये विभाग जो है आखिर इतने उदासीन क्यों हैं, और वो नेता जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि वो उनको ये चीजें क्यों नहीं दिखाई दी? पिछले 10 साल से सरकारें भी रही हैं, तमाम यहाँ नेता हैं और भाजपा की सरकार है कहीं ना कहीं, और उनको जो है ये गंगा की गंदगी दिखाई नहीं दे रही। और योगी जी से भी कहेंगे कि विभाग जो यूपी सिंचाई विभाग है इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? टूटी हुई रेलिंग जो समय आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, और तमाम यहाँ पर यात्री घूमने आते हैं उनकी बात भी सुनवाएंगे कि उनके दिमाग में क्या असर पड़ता है। पहले यहाँ पर जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? कंचन नारायण पाठक। आज क्या यहाँ कुत्ता कोई पड़ा हुआ था? जी जी, कुत्ता पड़ा था, सफाई कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, मरा हुआ था वो। जी जी बिल्कुल मरा हुआ था। तो कब से आपकी सफाई नहीं हुई? आप यहाँ रह रहे हैं तो कब से देखते होंगे? बहुत दिन से सफाई हुई, सालों हो गए हैं सफाई नहीं। अच्छा, सफाई हुई ही नहीं है, ऐसी स्थिति पड़ी हुई है, ऐसी ही पड़ी हुई, लॉकडाउन से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई आया देखने विभाग से? कोई अधिकारी कोई जहाँ जांच पर कुछ नहीं आया? कांवड़ मेले में कहते हैं कुछ काम वाम होता है? कुछ नहीं, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता जी? कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता जी, यहाँ कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, सीढ़ियां उड़ी सब टूटी पड़ी हैं। तब से ऐसे ही? सबसे ऐसे ही है, ये सावन से ऐसे ही है। आज तो कुत्ता भी बता रहे हैं, आज कुत्ता भी पड़ा हुआ था, और वो गंगा जी में जल जा रहा होगा, वो लोग आचमन कर रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या काम होगा? सफाई होनी चाहिए जी, बस सफाई का एक बड़ा मुद्दा है। क्यों माता जी, सफाई नहीं होती यहाँ पे क्षेत्र में? सफाई नहीं होती है, सफाई नहीं होती यहाँ, पता इतनी गंदगी है जिसका कुछ ठीक नहीं। हरिद्वार है, गंगा मैया है, कुत्ता सड़ रहा सुबह। अच्छा, और यहाँ पे यात्री भी देख देख के जा रहे। यात्री को क्या संदेश जा रहा होगा बाहर? तो कह रहे जब ये गंगे में आए थे इतनी बदबू कैसे है यहाँ पे, सफाई क्यों नहीं है, टिकता भी नहीं यात्री है, यात्री टिकता भी नहीं है यहाँ, रुकता भी नहीं है इस कारण से। अच्छा, व्यापार भी कहीं ना कहीं चौपट, व्यापार भी चौपट हो रहा है जी। ठीक, तो ये मैसेज जो है कुछ और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात कर लेंगे। भाई साहब आ जाओ आ जाओ, पड़ा हुआ था, सफाई नहीं हो रही है, क्या मुद्दा है ये स्थानीय का? सफाई बहुत दिनों से बोल रखा, हो ही नहीं रही सफाई यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है ना, वो सुनते नहीं कोई। अच्छा, ये टूटी हुई रेलिंग ऐसी पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी हुई है, आगे ही पड़ी हुई, देखो। हाँ, देखिए चैनल के माध्यम से सारी खबर दिखा रहे हैं। पानी ऊपर आता है, मछली मर जाती है, फिर जब नीचे जाता है मच्छी पड़ी। अच्छा, मच्छी पड़ी रहती है ऐसी। अच्छा, तो ये आपने सुना किस तरीके से, आइए आपको कुछ यात्रियों की सुनवा देते हैं जो यहाँ पर थे, उनसे हमने बात करी, तो जब उन्होंने गंगा के हालात देखे तो क्या बोला? नमस्कार, इस समय धर्म नगरी हरिद्वार में है, और आज जिस तरह से खबर हरी टीवी को मिली कि गंगा में एक मरा हुआ जो है कुत्ता पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हम पहुंचे और कुछ श्रद्धालु भी हमें मिले जो गंगा की गंदगी के बारे में बात कर रहे थे जब यहाँ पहुंचे, तो इनसे जानेंगे कि कैसा लगता है जब ये बाहर से पहुंचते हैं। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम युवराज सिंह झाला है, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, मैं इधर घूमने के लिए, और धार्मिक स्थल है तो मान्यता है गुजरात में हरिद्वार की बहुत के। अच्छा, पवित्र गंगा में स्नान करो तो ये हमारे पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप का नाश होता है, इसीलिए हम स्नान करने के लिए आए, पर क्या स्नान करें, हर की पुंडी पे आए, और ये तो पूरा देश का पवित्र स्थान है, जहाँ सारे देश से पवित्र पवित्र आदमी जो भी आदमी पूरे चार धाम की यात्रा भी यहाँ से शुरू होती है, और गंगा में पूरे हर की पौंडी गंगा घाट में ही गंदगी इतनी है। आज तो देखा कि पूरा कुत्ता यहाँ मर गया कुत्ता। हाँ, यहाँ था, और ऐसा नहीं चलता है ना यार, या बीजेपी तो मैसेज जी क्या कह रहे हैं आप बताइए पहले पूरी। और ऐसा नहीं चलता है, और बीजेपी को हटाओ, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ कि बीजेपी सरकार में ऐसा चलता है तो बीजेपी को ही हटाओ। अच्छा, ये क्या मैसेज जाएगा? आप घूमने आते हैं, अन्य यात्री भी अन्य राज्यों से आते हैं। हाँ, क्या गुजरात में भी ऐसे ही रिवर फ्रंट है नर्मदा का? हाँ है, हमारे गुजरात में भी है, नर्मदा का तो नहीं है, फिर वो अहमदाबाद साबरमती में, वहाँ भी ऐसा साबरमती है। साबरमती में तो पूरा अहमदाबाद का कचरा और अहमदाबाद का गटर का पानी वो सब साबरमती में ही डालते हैं। अच्छा, हाँ डालते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि बहुत अच्छा बना हुआ है। बना अच्छा बना है, पर वो रिवर फ्रंट नहीं है, लो फ्रंट है। क्या
लौटे सारे लवरिया ही आते हैं, मैं ऐसा ही बोलता हूं। कपल्स आते हैं? कपल्स ही आते हैं। अच्छा, जैसा आपने सुना कि लगातार इस कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो नाराज हैं बड़ी संख्या में, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग स्थानीय, हमने यहाँ पर हमें सूचना मिली कि कुत्ता एक तरीके से पड़ा हुआ है और गंगा की अस्मिता से, जो गंगा की स्वच्छता है पवित्रता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जब सवाल उठता है तो हरी टीवी सबसे पहले अगर खड़ा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो गंगा मुद्दा जो है वो अपने चैनल के माध्यम से हर वक्त उठाया और हर वक्त उठाते रहेंगे। खास खबर को लेकर आपके बीच में जुड़े थे, शेयर जरूर करें और जो लोग गंगा के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं उनसे एक सवाल गंगा की सफाई को लेकर जब भी वो आपके दरवाजे पर आए तो जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।